सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड यू वॉचिंग दीप्स क्रिएशन, एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है कि पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने स्विफ्ट में सीएनजी फिटिंग कराई थी, और उसके बारे में हमने प्राइसिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था उस टाइम। तो आज हम प्राइसिंग के बारे में और सीएनजी का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है अभी तक का, इसको लगवाए हुए हो चुके हैं करीब करीब 5 से 6 महीने, और अब मैं इसको बताने वाला हूँ आपको कि ये लगी थी सितंबर में लगी थी, शायद अगस्त के लास्ट में लगी थी कुछ। तो इसको लमसम हो चुके हैं अभी तक 5 महीने, और मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है और क्या क्या चीज़ आपको इस किट में मिल जाती है। और ये जो किट लगी थी वो लगी थी BRC की, जो कंपनी फिटेड होती है, जो कंपनी हमें लगा करके देती है। तो अभी हम दिखाने वाले, देखो मेरे बैक साइड में जैसे कि ये स्विफ्ट खड़ी है और इसमें ही हमने ये फिटिंग कराई थी। तो इसका क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक, और किस तरीके से चल रही है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स अगर फेस होती है CNG के बाद, या फिर किसको लगवानी चाहिए और किस लोगों को नहीं लगवानी चाहिए CNG, तो सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और इसका रिस्पॉन्स और इसके साथ जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो इसी करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। तो बिना किसी की देरी के चैनल को लिए सब्सक्राइब वीडियो कर दिया लाइक। सो गाइज, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे वीडियो लगे कि इंफॉर्मेटिव है, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है ये वीडियो, और आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसी एक्साइटिंग वीडियो मैं आगे लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए। तो इसे करते वीडियो को हम स्टार्ट। तो गाइस, पहले आपने देखा था कि इस गाड़ी में हमने लगवाई थी CNG, और उसका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और CNG किस तरीके से दिखती है उसके बारे में भी आपको दिखाया था एक बार कि क्या क्या चीज़ CNG में लग जाती है, और डिक्की जैसे ही खत्म हो गई थी तो पहले सारी चीज़ें दिखाया था, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या होने वाला है कि इसमें कैसे CNG फिटिंग हुई थी और क्या क्या चीज़ें। सो गाइज, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि CNG क्या क्या चीज़ इसमें फिटिंग थी और किस तरीके से थी और क्या क्या चीज़ में लगी थी उस टाइम। और चलो मैं दिखाता हूँ और फिर आगे पीछे डिक्की दिखाऊंगा और इसके अंदर क्या स्विच था और जो भी चीज़ें CNG में लगती है वो सारी चीज़ें अभी कंप्लीट करते हैं। तो आज इससे पहले कि इंजन की तरफ आपको क्या चीज़ दिखने वाली है। सो गाइज, जैसे कि आप इंजन के पास देख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे एक फिटिंग हुई है, और यहाँ पे एक डिवाइस लगा था, एक वो भी यहाँ पे ही फिटिंग हुई थी उसकी, और एक डिवाइस यहाँ पे लगा था। ये तो BRC की ये किट थी जिसके अंदर ये चीज़ें लगी थी। तो अब मैं आपको पीछे गेट के अंदर दिखा दूँ कि किस तरीके का इसका स्विच था। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच है जो लगा हुआ है GFI का, और यहाँ से जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे रेड लाइन का मतलब है कि इसमें अब ये पेट्रोल में होगी तो रेड लाइन जलेगी, और जैसे ही ग्रीन हो जाएगी तो CNG पे लग गई है। तो आ जाते हैं हम डिक्की की ओर, और मैं आपको डिक्की में दिखाता हूँ कि डिक्की में क्या स्पेस बचा है लगने के बाद। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास स्पेस बचा नहीं है, एक यहाँ पे स्टेपनी आ गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है कि एक बैग शायद यहाँ पे आ सकता है, एक या दो बैग छोटे छोटे। तो ये चीज़ें आपको दिखने को मिल जाती है। तो सिलेंडर इसमें ये लगा हुआ है, तो सिलेंडर इसमें शायद 12 लीटर का लगाता है, इसमें करीब करीब 8 के आसपास या 7.5 के आसपास CNG आ जाती है किलो के हिसाब। सो गाइस, 12 किलो के सिलेंडर में करीब करीब 8 से 7 किलो आ जाती है गैस, और 7.5 किलो, जिसमें कि इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं कि क्या माइलेज ये दे रही है। सो गाइस, अब इसकी हम सेकंड पॉइंट पे आए थे, सेकंड पॉइंट होने वाला है कि इसकी क्या माइलेज है और इसका पिकअप में कितना फ़र्क आ गया है, या फिर किस तरीके से CNG के बाद क्या चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी माइलेज की बात करें, तो इसमें जो माइलेज अब आ रही है तो ये 7.5 किलो के आसपास में चल जाती है, 210-220 किलोमीटर के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छी माइलेज दे रही है। और स्विफ्ट और मारुति की गाड़ी में तो CNG का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता ही है। तो अब आ जाते हैं इसके पिकअप के बारे में, तो वो मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं इसके पिकअप आपको दिखाने वाला हूँ कि अब पिकअप का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट जल रही है, और जैसे ही मैं CNG गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो ये पहले पेट्रोल में स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा गाड़ी चलाने के बाद कैसे इस तरीके से ये आ जाती है CNG में। देखिए, अब ये ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो इसका मतलब है अब ये CNG में आ चुकी है। और अब आप यहाँ से किलोमीटर के हिसाब से देख सकते हैं, तो ये है अभी सेकंड गियर में। तो इसका फर्स्ट गियर का टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैंने देखिए फर्स्ट गियर में लगा दिया, और फर्स्ट गियर में क्या पिकअप रहने वाला है तो ये देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप 40 की स्पीड इसने अभी तक, नॉर्मली मेरा एक्सीलेट देते ही इसने पकड़ ली थी। तो सेकंड गियर में अब है गाड़ी, तो सेकंड गियर में देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो ये मीटर आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे 60 तक की स्पीड सेकंड गियर में जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सीएनजी में किस तरीके का इसका रिस्पॉन्स रहा है अभी तक। और यहाँ से मैं गाड़ी एक बार मोड़ लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने अब गाड़ी यहाँ से मोड़ ली है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है फर्स्ट गियर। और अब आप ये देखो फर्स्ट गियर में इसका 40 तक का रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सेकंड गियर में अब गाड़ी। तो अगर आप इस तरीके से करके चलाओगे तो मेरे ख्याल से 180 और 200 की माइलेज पे आएगी। बट अगर आप नॉर्मली जिस तरीके से चलती है गाड़ी उस तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलने वाली है। इसमें आपको 230 की मिल जानी चाहिए माइलेज। तो गाइज, अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाते हैं जिस तरीके से जैसे मैं चलाता हूँ कि थर्ड गियर पे 60 तक आप चलाते हैं, 40-60 के बीच में, और फोर्थ मतलब आपकी अगर माइलेज 40-60-80 तक जाती है ना, तो अगर स्पीड तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सीएनजी में। तो इसी अगर करते हैं मैं आगे चीज़ें और बताता हूँ आपको कि पिकअप में तो देखो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, बट इसकी थ्रोटल बॉडी में थोड़ा सा मतलब जैसे गंदी हो जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें कई बार गाड़ी के मतलब उठते टाइम जैसे हम रोक करके गाड़ी रोकते हैं तो इसको थोड़ा तेज़ रेस पे मेरे को उठाना पड़ रहा है। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो सीएनजी में तो अभी तक की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अभी आप देख सकते हो ये कितनी चल गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो ये कितनी चल चुकी है, करीब 80,000 के आसपास होने वाली है। और जब मैंने आपको पहले ये गाड़ी दिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर के आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि सीएनजी की एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, तब ये 68 के या 63 के एक्सप्रोक्स चली हुई थी। तो कम से कम 17,000 चल चुकी है उसके बाद सीएनजी में ये, और बहुत अच्छा माइलेज दे रही है अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप चाहे तो इसको लगवा सकते हैं। तो गाइस, अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि किस तरीके से गाड़ी की सीएनजी फिट हो गई है और किस तरीके से इसका क्या रिस्पॉन्स रहा। आपको मैंने पिकअप के बारे में बता दिया, आपको मैंने माइलेज के बारे में बता दिया। तो अब लास्ट पॉइंट था कि लास्ट वीडियो को देखने के बाद लोगों का ये था कि भाई प्राइस तो बताया नहीं, भाई आपने प्राइस नहीं बताया। तो प्राइस ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो जिस टाइम मैंने लगवाई थी उस टाइम प्राइस जो था उसको मैं आपको बताया था, और इस टाइम का जो प्राइस है वो आपको कॉल करके उस जगह पता करना पड़ेगा। तो और मैंने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उधर वहाँ का एड्रेस और आपको नंबर दे देता हूँ और आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हो। तो इसके जो प्राइस उस टाइम था वो 57,000 रुपीज़ में लगी थी। BRC की एक किट लगी थी, पूरी इंस्टॉल हुई थी इसके अंदर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। और वहाँ पे और भी किट्स है जो कम की भी है, जैसे 45,000 से और 50,000 की, और ये 60,000 रुपये के आसपास की पड़ गई थी। तो इन सब चीज़ों को देख करके, जैसे आपको मतलब नाम कराने के लिए शायद वो आपको 60,000 तक कॉस्ट कर जाए, तो आप देख सकते हैं कि 60,000 रुपये में अगर आप ये वाली सीएनजी लगवाते हैं तो मेरी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है इसके अंदर। और सिर्फ जैसी गाड़ी में तो सीएनजी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उसका। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जा सकते हैं वहाँ पर, और अगर आपको ये चीज़ देखने की शॉप कहाँ पर है और किस तरीके से वहाँ पे काम हुआ था तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से दिखाया है किस तरीके से काम हुआ है और क्या क्या चीज़ इंस्टॉल हुई है और कैसे किस टाइम से हुई है। तो टाइमिंग आप लेकर के चलें तो आप एक दिन का आपको ऑफ लेना पड़ेगा अगर आपको उस दिन सीएनजी लगानी है, फिर आप गाड़ी छोड़ सकते हैं वहाँ पर। तो आप जैसे सुबह दे करके शाम को गाड़ी वहाँ से ले सकते हैं। तो आप अगर देखते हैं तो वहाँ से आपको टाइम जो लगता है कम से कम 4-5 घंटे मान के चलिए कि आपको लगेगा ही टाइम। तो अच्छे से टाइम निकाल करके जाएँ, तसल्ली से काम कराएं, क्योंकि तसल्ली से हम काम कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम होता है। तो ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और किसी भी तरीके से आपको किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये काफ़ी ज़्यादा जिनके लिए सीएनजी लगाने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई लोग सोचते हैं कि सीएनजी लगानी चाहिए हमें गाड़ी में या नहीं लगानी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के पॉइंट टू पॉइंट मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी है। तो आप चाहे तो सीएनजी लगवा सकते हैं, और जगह भी मैं आपको बता चुका हूँ, अथॉराइज सेंटर है वो। और आपको मैं लास्ट वीडियो का इसमें लास्ट टाइम जो भी वीडियो एंड होगी तो वहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख जाएगी जिसके अंदर ये लास्ट वीडियो आ जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियोस में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं कि किस जगह से सीएनजी इंस्टॉल हुई थी। तो इसे करते हैं वीडियो को एंड। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।